ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उसका सर काटा। दो बातों में बहुत फर्क है। वैसे तो अगर बच्चे का सर काट दो या किसी का भी सर काट दो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन उसको हत्या नहीं कहते, कहते सर काटा और किसी और का सर लगा दिया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकारवश परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपने मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण करें? तो मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब ये शरीर मिट्टी का है। दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा, अच्छा सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक बहुत वाइज सर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश।